everybody, very good morning. As you all know that we have already started with the first chapter of the textbook Hanity. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. We have already completed two parts of this chapter. Now what happens earlier, let me brief you about it. मैं आपको थोड़ा सा brief करके बताता हूँ. What happens there is, a narrator who is narrating this incident, this story to us, he says that one day when he was walking around in the market, at a junk shop, he found a roll-top desk. एक desk उसको मिलता. वो desk किस लकड़ी का बना हुआ था? Oak का. Oak जो लकड़ा होता है वो बहुत ही durable यानी कि टिकाऊ होता है. So he wanted to buy it. And as this was an old unit, it was not in a good situation, good condition, so he decided to buy it because it was going for a cheap rate. So he decided to buy this roll-top desk. He brought it home. After bringing it home, he tried to open the drawers. In one of the drawers, he found a letter. The letter was written by somebody named Jim, because it is mentioned there, Jim's last letter. Right? And it was addressed to, it was written to a lady named Connie MacPherson. It means the relation that the receiver and the sender share with each other is that is of husband and wife, Jim or Connie, husband wife. अब obvious था, एक इंसान के लिए थोड़ी curiosity होती है, ये क्या होगा, इस letter में क्या होगा, let me read the content of the letter. He decided to read it. Content में उसने देखा कि जिम जो उस लेडी का हस्बैंड था, मिसेस कोनी और मिसेस जिम मैकपर्सन, वो जो था वो आर्मी में था और इसीलिए आर्मी के आर्मी वहाँ जो बॉर्डर पर थे उस टाइम पर देर वॉज ए वॉर बिटवीन इंग्लैंड एंड जर्मनी और फॉर्चुनेटली अगर बोले लकीली अगर बोले तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग द वॉर, इंस्टेड ऑफ वेजिंग द वॉर विद ईच अदर, बोथ आर्मीज सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर. दे शेयर्ड व्हाटएवर ईटेबल्स, व्हाटएवर ड्रिंकेबल्स दे हैड. इट इज रिटन दैट दिस पीपल यानी ब्रिटिश सोल्जर्स आर लविंगली कॉल्ड टॉमीज, जर्मन सोल्जर्स आर लविंगली कॉल्ड फ्रिट्स. दे शेयर्ड व्हाटएवर दे हैड. Even before departing, they decided to play a football match wherein Germany won, because I had already told you earlier that if it was a cricket match, obviously England would win it. But as English people are not so good in football, so they lost to German soldiers. Then in the second part only, main bata raha hu. क्या आगे बताया कि आफ्टर प्लेइंग द मैच दे डिसाइडेड यानी दे टॉक्ड देयर एक्सप्रेस देयर व्यूज और कहते हैं कि भाई देखो ये फुटबॉल मैच कोई भी स्पोर्ट्स या गेम्स इट्स द परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर एनी फाइट्स एनी कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन टू कंट्रीज टू पर्संस टू पीपल लिविंग टुगेदर क्योंकि झगड़ा करने से किसी को कुछ मिलता नहीं है. मैच खेल लो और विनर और लूजर डिसाइड करो, कोई मरेगा नहीं. कितनी अच्छी बात है, युद्ध में तो मेन पीपल वो लूज देयर लाइफ, ये सारी बात होती है. इसके बाद वो डिपार्ट होते हैं ये सोच के साथ, ये होप के साथ कि ये युद्ध जल्दी हो जाए ताकि एवरी सोल्जर कैन गो बैक टू हिज होम. ये सेकंड पार्ट का एंड मैंने आपको बताया आपको. अब क्या हुआ, नाउ दिस नरेटर हु हैज रिसीव्ड दिस लेटर, उसको इच्छा होती है कि ये जिसका लेटर है उसको मैं पहुंचाने की कोशिश करूं तो कैसा होगा. किसका लेटर है? जिम का लेटर. किसको लिखा गया था? उसकी वाइफ. सालों पहले की बात. अब ये बंदा सोचता है कि आई शुड ट्राई टू फाइंड द रिसीवर ऑफ दिस लेटर, ये जिसका बेसिकली है उसको अगर मैं ढूंढ लू तो. अब वो निकल तो थर्ड पार्ट में वो निकल. दिस इज हाउ इट गोज.
I folded the letter again, slipped it carefully back into its envelope, kept awake all night. Letter fold किया, फिर से जहाँ जिस कवर में से निकाला वहाँ रख दिया. पूरी रात जागे रहे. Narrator. By morning I knew what I had to do. I drove into Bridport just a few miles away. क्योंकि उस letter में address था Bridport, ये जगह का नाम. तो वो writer, narrator सुबह उठकर Bridport के लिए निकल. I asked a boy walking his dog where Copper Beach was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out shell. The roof gaping, the windows boarded up. नरेटर वहां पहुंचे. नरेटर ने पूछा किसी लड़के को जो एक कुत्ते के साथ घूम रहा था कि भाई कॉपर बीचेस जो घर है वो कहाँ है हाउस नंबर 12. तो बता रहा था हाउस नंबर 12 जो था एकदम खराब कंडीशन में था. जल गया था, आग लगी थी, उसके निशान थे वहां पर. रूफ जो था वो गैपिंग था, इसका मतलब वहां पर कुछ होल्स हो गए थे, लीकेज हो रहा था. विंडोज तो थी वो भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ गई थी अलग अलग से. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. दरवाजा खटखटाया और पूछा कि भाई कोई मिसेस मैकफर्सन यहाँ पर है तो कहाँ है. Oh yes, said the old man in slipper. He knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed यानी confused. But at her age she was entitled to be, wasn't she? 101 years old, she had been in the house when it caught fire. No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles. She used candles rather than electricity because she always thought electricity was too expensive. The fireman had got her out just in time. She was in a nursing home now, he told me, Burlington House on the Dorchester Road on the other side of it. Narrator who had gone to find the exact owner, the correct owner of this letter. He reached Bridport, he knocked one of the door, one old man came out. The narrator asked the old man about where Mrs. McPherson was living. That man replied that she was a lady of 100 plus. यानी एन एजेड वन, अ परफेक्टली एजेड वन, एब्सोल्युटली एजेड वन, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज थे. अच्छी लेडी है लेकिन थोड़ी कंफ्यूज रहती है, इस उम्र में होना जायज भी है ऐसा कहते हैं. उनके घर में आग लगी थी. आग कैसे लगी वो एक सर्च का सब्जेक्ट है, रिसर्च का सब्जेक्ट है. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर सकती थी. कैंडल्स रीजन हो सकते थे क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, ऐसी मिसेस मैकफर्सन की सोच थी. लेकिन नरेटर दैट ओल्ड मैन सेड टू द नरेटर दैट एट प्रेजेंट अभी वो लेडी एक नर्सिंग होम में है, वहाँ पर उसकी केयर कोई कर रहा है. आप वहाँ जाओ और ढूंढो उसको, यहाँ पर फिलहाल वो नहीं. पेज नंबर 15 पर आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ. वो नर्सिंग होम चले गए जहाँ पर जाना. There were paper chains up in the hallway, a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present. Narrator chala gaye, unhone dekha ki bahut decorated thi wo jagah. Colorful papers chipkaye gaye the, Christmas tree ek beech mein rakha gaya tha. Narrator gaye wahan, he told those people ki ye wo kaun the. वो मिसेस मैकफर्सन के एक फ्रेंड थे और उनसे मिलने आए थे ताकि क्रिसमस का गिफ्ट उनको दे सके. आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग. द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिंस पाई. शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर. Mrs. McPherson is not in with the others, she told me. She is rather confused today, so we thought it best if she had a good rest. She has no family, you know. No one visits, so I am sure she will be only too pleased to see you. She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plant all around and left me. Ab narrator kahan hai? He has gone to nursing home where Mrs. McPherson is being taken care of. वहां जाकर
देखा कि द प्लेस वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एज इट वॉज क्रिसमस टाइम. द मेट्रोन हु वॉज द मेन केयर टेकर शी सो द नरेटर एंड टोल्ड हिम दैट मिसिस मैकपर्सन अच्छी है, नाइस लेडी है, लेकिन आज वो ठीक नहीं है, थोड़ी मडल हेडेड है, कुछ कन्फ्यूज है. तो उनको लगा कि वो रेस्ट करे वो अच्छा, लेकिन उनको जल्दी कोई मिलने के लिए आता नहीं. और आज आप आए, ये कौन बता रहा है? मैट्रन इज टेलिंग टू द नरेटर कि आज आप आए हो. ऑब्वियसली दिस वुड मेक मिसिस मैकपर्सन वेरी हैप्पी कि चलो वैसे कोई नहीं आता, और आया तो कब आया? क्रिसमस के दिन पर. लाइक शूड फील गुड ऐसा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हीलचेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन अ लैप. शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिंड इन टू अ रिबन. व्हाइट कलर के बाल हो गए, ग्रे और व्हाइट, और बन बनाया लिखा है ना विस्पी बन है ऐसा करके हम जैसे गुजराती में आपने अंबोड़ो कही लेडीज बना. She was gazing out at the garden. Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. Happy Christmas, Connie, I went on. I found this, I think it is yours. Narrator जाते हैं. Mrs. McPherson, as it is shown in the picture, बैठी है और colorful dress पहन कर wheelchair पर बैठी है. और narrator जाकर उसको wish करते हैं. Hello, Connie. Happy Christmas. ये आपके लिए, शायद आपका ये. As I was speaking, her eyes never left my face. Mrs. Chim McPherson was constantly looking at the narrator. I opened the tin box, gave it to her. That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. Ek word likha, eyes lit up with recognition. मीन्स जब नरेटर ने वो टीन बॉक्स जिसमें वो लेटर था वो दिया, तो वो टीन बॉक्स देखकर मिसिस मैकपर्सन उसको पहचान लेती और चेहरे पर एक खुशी छा जाती. यार हाँ, ये तो उनके हस्बैंड का लेटर. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग. For a while, she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips. बोले जा रहे नरेट, लेकिन उम्र के कारण शायद ये सुन नहीं पा रहे. या फिर she was so happy to see that letter that was written by her husband to her. कि वो अपने लेटर हाथ में रखकर उसको ऐसे अपने फिंगरटिप से मार रही है, ऐसे ही प्यार से इतराज कर रही है. Suddenly she reached out and took my hand. Narrator का हाथ अचानक से पकड़ लिया. Her eyes were filled with tears. आँखों में पानी आ गया, यानी रोने लगी मिसेस ने. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim, dear. इसका सीधा मीनिंग है कि मिसेस जिम मैकपर्सन नरेटर को जो बेचारा लेटर देने गया है उनका, मिसेस जिम मैकपर्सन इस नरेटर को अपना हस्बैंड समझती है और कहती है कि मुझे पता ही था कि एक दिन तुम जरूर आओगे मेरे बाजू में, तुम बैठो और बातें करो मुझसे, ऐसा मिसेस मैकपर्सन कहती है. I sat down beside her. She kissed my cheek. I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. Letter तो तुम्हारे जो भी पहले के थे वो भी मैं पढ़ती थी, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनने को मैं बेताब थी. It always made me feel you were with me. Now you are back. You can read it to me yourself. अब तुम ही आ गए हो तो तुम्हारा letter तुम ही पढ़ो, मैं सुनूंगी, तुम्हारी आवाज सुनूंगी. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. At the age of 100 plus, Mrs. Jim McPherson, who has misunderstood the narrator as her husband, she tells him that, my dear Jim, मुझे पता था तुम आओगे, और आज तुम आओगे उस चीज उस बात की खुशी में ही
मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मार्जिन केक बनाई, आई होप यू लव इट। नहीं तो अराइवल ऑफ नरेटर, दो इट वॉज मिसअंडरस्टूड बाय मिसेस मैकपर्सन, मेक्स मिसेस मैकपर्सन वेरी हैप्पी एज वेल एज इट ऑल्सो मेक्स हर क्रिसमस मेमोरेबल, राइट? एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर मिसेस चिन्मय। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। थैंक यू सो मच। कीप रीडिंग द टेक्स्ट बुक, कीप डूइंग योर होमवर्क, राइट? एंड प्रेजेंट वेल लर्निंग अवर टेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू। जय हिंद।